30% of the CET preparation is based on what you do in the last 10 days. ठीक है, आपने जितना भी उधर किया है, it will all fall flat if you get loosened up in the last 10 days. यार हम लोग इंडियन स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते एंड में आके ये 10 दिन how you manage yourself is the most important part. I have seen people going from 100 to 130 in last 10 days. ठीक है, तो अभी आप आके छोड़ नहीं सकते. ठीक है, then this video will talk about the complete strategy for the last 10 days. कि आखिरी 10 दिनों में वो क्या करना चाहिए. ठीक है, अभी कह रहा है कि मोटिवेशन थोड़ा डाउन जा रहा है, सो इट्स टाइम टू रिचार्ज योर बैटरीज. ठीक है, अभी मेहनत करने का टाइम आ गया. ठीक है, जिनका स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा है, टू मेन प्रॉब्लम वी हैव. वन इज अ वीक एरिया, वन इज स्पीड. वीक एरिया मतलब फॉर एग्जांपल मैथ्स में मेरा 12 के ऊपर नहीं जा रहा आउट ऑफ 50. तो इसका मतलब देर लॉट ऑफ एरियाज विद इन मैथ्स विच वेयर वी नीड टू इम्प्रूव. ठीक है, मेरे को ज्योमेट्री नहीं आता, ग्रामर नहीं आता, इंग्लिश में ग्रामर नहीं आता, आर्ट्स नहीं आता. सो टू इम्प्रूव माई वीक एरिया, नंबर वन. नंबर टू, देर आर सम एरियाज विच ऑलरेडी नो. मेरे को लॉजिक अच्छे से आता है बट प्रॉब्लम इज स्पीड. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई किस एरिया में आपकी क्या प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू टारगेट दैट. ठीक है, सो देर सिक्स एरियाज आई आइडेंटिफाइड. सो क्वांट DI 25 मार्क्स, वर्बल 50 मार्क्स, पजल 30 मार्क्स, लॉजिक 30 मार्क्स एंड लॉजिक 2 विच इज विजुअल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग 40 मार्क्स. योर टारगेट फॉर द लास्ट 10 डेज इज टू इंक्रीज योर स्कोर बाय 5 मार्क्स इन एवरी एरिया. ठीक है, ऑल सिक्स सेक्शन वी कैन टारगेट 5 मार्क्स. तो 30 मार्क्स इज अप्रोचेबल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल पजल्स. पजल में नॉर्मली मॉक में बच्चे एक या दो पजल से ज़्यादा नहीं हो पाता है. अगर अगले 15 दिन में हार्ड वर्क किया, कैन यू सॉल्व वन मोर सेट? यस, पॉसिबल. यस, तो दैट्स अ टारगेट. हमारा टारगेट इज 5-5 मार्क्स इन एवरी सेक्शन. ठीक है, सो दैट आई कैन रीच द टारगेट रिक्वायर्ड. सो दैट टू फेजेस. फेज वन इज गेटिंग अ स्कोर ऑफ 100 फर्स्ट. सीटिंग एडवांस मॉक में 100 प्लस आ गया तो इसका मतलब यू आर ऑन ट्रैक फॉर अ गुड स्कोर. ठीक है, तो आखिरी 10 दिन अपने पास है. ए, आई टू रिवाइज एवरी टॉपिक. जस्ट गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स एक बार. फाइन, राइट फ्रॉम वर्बल टू मैथ्स के फॉर्मुलेस, लॉजिक, एवरीथिंग आई टू डू एक बार, लास्ट बार. ठीक है, मॉक्स, डेली मॉक्स. अभी टाइम आ गया एवरी डे मॉक का. लास्ट 10 दिन एवरी मॉक. सो फिर सीटिंग स्टूडेंट, आपके लॉग इन में बेसिक मॉक भी, एडवांस मॉक भी, आपको दोनों मॉक देने हैं. ठीक है, बेसिक भी देने हैं बिकॉज वी डोंट नो कि एडवांस मॉक वाला पेपर पैटर्न आएगा कि आएगा. लास्ट ईयर पेपर टफ आया, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी टफ ही आना चाहिए. टफ ही आएगा मोस्टली, बट ईजी वाला भी आ सकता है. ईजी मतलब डूएबल वाला भी आ सकता है. दे कैन गो बैक टू ओल्ड पैटर्न. तो आपके पास जो बेसिक मॉक्स है ओल्ड पैटर्न मॉक्स, एंड एडवांस मॉक और न्यू पैटर्न मॉक्स. आप एडवांस मॉक तो पहले खत्म करना है. सो डेली मॉक, एक दिन एडवांस चाहिए तो एक दिन बेसिक, एडवांस बेसिक, सो दैट आई एम टोटली प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग. ठीक, सो दीज आर द सिक्स वर्कशॉप वी आर कंडक्टिंग. इफ ए नॉट सीटिंग स्टूडेंट, यू कैन जॉइन अस फॉर दीज वर्कशॉप्स बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सपेक्टेड पेपर एंड विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी एंड हाउ टू सॉल्व दैट. दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो गो टू ctin.com/CET. आई एम अपलोडिंग ऑन एवरी 2-3 डेज हैंड आउट विच इज एक्सपेक्टेड पेपर फॉर क्वांट, वर्बल, लॉजिक, ऑल द सिक्स एरियाज. ठीक है, प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड करके इसको सॉल्व करते जाओ. आई कैन बेट ऑन दैट कि 90% पेपर पैटर्न विल बी बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, ये आपको पूरा सॉल्व करना है. ओके, अभी 10 दिन में एक तो अपन को वीक एरियाज इंप्रूव करने ही करने, प्लस मॉक में आके आई नीड टू आइडेंटिफाई माई टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. टू एब्स्ट्रैक्ट एंड क्रिटिकल रीजनिंग 40 मार्क आएगा, लॉजिक 30 क्वेश्चन, ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल 50, क्वांट 25, DI 25, पजल 30. ठीक, टाइम का ब्रेकअप वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम आई नीड टू स्पेंड. मेरे हिसाब से लॉजिक के लिए एब्स्ट्रैक्ट एंड क्रिटिकल रीजनिंग 30 मिनट्स, लॉजिक, ट्रेडिशनल लॉजिक 25 मिनट्स, वर्बल 30-35 मिनट्स, क्वांट 20 मिनट्स, DI 20 मिनट्स एंड पजल्स 25 मिनट्स. दिस इज द आइडियल ब्रेकअप ऑफ 150 मिनट्स. ठीक है, अगर तो JB जाना है तो एब्स्ट्रैक्ट में योर स्कोर हैव टू बी 30, लॉजिक 20, वर्बल 30, क्वांट वाले में 15, DI 15 एंड पजल्स में 15. मतलब 3 पजल सॉल्व करने पड़ेगा JB जाने के लिए. दिस इज अ टोटल 125 मार्क का ब्रेकअप. 30 30 30, 90 90 210 15 125. यस, एंड टॉप फोर. टॉप फोर का टारगेट स्कोर इज 25 15 25 10 10 10 100. टॉप 10, सॉरी.
JB is number one, Chetna is 10th rank. JB and Chetna mein look at here, 5 marks of farak. 5 number jyada hai to JB, 5 number kam hai to Chetna. Iske mein ko pehle bola ki your target is 55 marks increase in every section. Trust me, ho sakta hai. Aur karna hi padega. ठीक है, because top 10 के नीचे MBA करके कोई फायदा नहीं. You have to target the top 10 colleges. Average salary of the non-top 10 colleges in Mumbai right now is 20,000 average salary. तो अपन को फालतू कॉलेज में नहीं जाना. We have to target the top colleges. ठीक है. तो wherever you study, आपके सामने ये लगा दो बोर्ड, ये सी कच्ची चीज चिपका दो कि क्योंकि ये टारगेट करना है. ठीक है. So all the new mocks, advanced mocks, e-classes, books, they are available as per the new paper pattern. So those are non-CET students, you can join us on cetking.com/shop. ठीक है, यहाँ जाके आप ये बाय कर सकते हो. बिकॉज ट्रस्ट मी, योर पेपर पैटर्न इज टोटली चेंज. आपको न्यू पेपर पैटर्न चाहिए रहेगा. सो अपलोडेड हियर ऑल द लिंक्स, ये मैंने फॉरवर्ड भी किया था पहले. सो लॉजिक में 30 में से 25 मार्क का पेपर पैटर्न गोइंग टू बी न्यू. तो आप एक बार ये पॉज करके लुक एट ऑल दिस न्यू चेंजेस. ठीक है, एक दिन आपको डालना पड़ेगा. ट्रस्ट में 3-4 घंटे का काम है. गो थ्रू ऑल द न्यू पेपर पैटर्न क्वेश्चंस. ठीक है, ग्रामर, वोकैब सब चेंज हो चुका है सीईटी में. डीआई, क्वांट की चेंजेस, पजल्स में न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल फ्लोर बेस्ड पजल एंड डे बेस्ड पजल आर टोटली न्यू टाइप ऑफ पजल्स. एंड क्रिटिकल रीजनिंग सिलॉगिज्म cetking.com/deductions. ठीक है, ऑल दिस चेंजेस यू शुड बी अवेयर ऑफ जो लास्ट ईयर सीईटी में आया. तो वो सारा हमारे मॉक्स में भी है, अदरवाइज यहाँ पे आपको जाके मिल जाएगा. ठीक है, सो मॉक्स आप देते जाओ. वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग एक बार. ठीक है, मॉक्स एवरी डे मॉक एंड न्यू पेपर पैटर्न, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार. ट्रस्ट मी, पेपर पैटर्न हैव कम्प्लीटली चेंज. लास्ट वीक आई वॉज इन औरंगाबाद, नासिक. ठीक है, औरंगाबाद, पुणे, नासिक. ऑल द नॉन सीटिंग स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया अबाउट द न्यू काइंड ऑफ पेपर विच इज कमिंग द एग्जाम. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल दिस क्वेश्चन ऑन cetking.com/cet. तो वहाँ जाके आप डाउनलोड करते जाओ एंड सॉल्व करो उसको बैठ के. ठीक है, एंड इन केस यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस फॉर दिस वर्कशॉप्स. सो वर्कशॉप हैपनिंग एट सेंटर्स और ऑनलाइन, वेयर एवर यू वांट टू जॉइन. सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, दिस इज 31, एंड जॉइन द प्रोग्राम. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच.